जय श्री राम। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं लंबा गांव टू आशापुरी माता मंदिर। यहां से लेके हम जाएंगे रोपड़ी तक अपने अपने व्हीकल्स में। तो मेरे साथ में ये सब, उसके बाद में रोपड़ी से हम जाएंगे पैदल सब ट्रैकिंग पे ऊपर माता आशापुरी के लिए। तो हम आज का सफर लंबा गांव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे रास्ते में क्या क्या व्यूज आते हैं, कौन कौन से स्थल आते हैं, कौन कौन सी जगहें आती हैं, वो सब आपको बताएंगे। आलमपुर की साइड जाता है और दूसरा जो पंचरू की साइड जाता है। तो हम पंचरू की से रोपड़ी की साइड जाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं अपर लंबा गांव से 2 किलोमीटर पर मनियाड़ में। यहाँ पे टोनी देवी माता का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कोसरी के पास में। तो आप यहां से देखेंगे वो सामने जो मंदिर दिख रहा है वहां पे हमें जाना है, वहां पे हमें जाना है। यहां का आप व्यू देख सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं डुगरुई में। तो डुगरुई से आप देखेंगे कि वहां पे जाना है सामने माता का मंदिर, वहां पे। अभी हम यहां से एक मोड़ क्रॉस करके पैदल चलेंगे ऊपर को। तो आप व्यू देखेंगे यहां से, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं अभी हम आशापुरी के जो ट्रैकिंग पॉइंट है वहां पे, तो हम सब यहां से अभी अपना ट्रैक जो स्टार्ट करेंगे। तो काफी लंबी चढ़ाई है और गर्मी भी ज्यादा है,
तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे आपको कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ में अभी सब है, चलिए। देखिए आप, वो रहा माता आशापुरी का मंदिर। लगभग हम पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे, तो सामने है माता आशापुरी का मंदिर। बस थोड़े टाइम में हम वहां पहुंचने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम माता आशापुरी के गेट पे पहुंच चुके हैं, तो हम थोड़ी ही देर में आपको माता आशापुरी के दर्शन कराने जा रहे हैं। आ जाइए। तो आप अभी देखेंगे माता आशापुरी के दर्शन कर लीजिए। अभी लॉकडाउन के कारण जो रिस्ट्रिक्शन है कि अंदर नहीं जा सकते, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। देखिए आप यहाँ से हम कितनी हाइट पे हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए पूरा आधे से ज्यादा हिमाचल यहाँ से दिख रहा है। व्यू देखिए, लोग कितने नजदीक नजदीक और कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। नदी देखिए आप, गांव देखिए यहाँ पे, नदी के पास में गांव है और साथ में जंगल देखिए। ये साथ में जो कहते हैं कि नागवन है, जो ये जहाँ से हम आए हैं, तो बाकी भी। और यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा भी काफी रहता है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता आशापुरी का मंदिर जो है वो पांडवों ने द्वापर युग में बनाया था। पांडव जब अज्ञातवास के लिए यहाँ मल्ली गांव है नजदीक में आशापुरी के, तो जब वो गुफाओं में आए थे अज्ञातवास के लिए, जब करण उनका अज्ञातवास भंग करने के लिए यहाँ पे आया था, तो उसे पांडव गुफाओं में नहीं दिखे, उसे एक पिंडी दिखी थी माता आशापुरी की। तो यही है, जब फिर पांडवों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वो पिंडी ढूंढी और ये माता आशापुरी का मंदिर यहाँ पे बना दिया। तो कहा जाता है कि ये मंदिर जो है पांडवों ने द्वापर युग में बनाया था।